अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ महरीन हमीद एंड टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर 1 वर्क एंड एनर्जी। सो व्हाट इज़ वर्क? वर्क इज़ डन व्हेन एवर अ फोर्स इज़ यूज्ड टू मेक समथिंग मूव। वर्क इज़ डन व्हेन वी यूज़ फोर्स, व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स टू मूव something, and we can calculate the work done by multiplying the force and distance. Here is the example that the boy is pushing a trolley and he applies the force of 10 newton and move the shopping trolley at the distance of 5 meter. So by multiplying the force and the distance we get work done. The measuring unit of the work done is actually joules. Joules में हम work done को calculate करते हैं. Okay, work and energy and work. Whenever work is done either by machine or either by a person, energy is used. We need some energy to do something. Machine or human needs some energy to do something, and this energy came from the food that we eat, the fuel. Okay, so energy is also measured in joules. The measuring unit of energy is joules. Next, see, there are several different types of energies, but mainly or conveniently we divide them into two groups: potential energy and kinetic energy. Okay, so what is potential energy? Potential energy is the energy that is stored in an object as a result of its position and condition. बेसिकली क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो, अगर हम उसकी इफ वी चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजिशन को, उसकी स्टेट को, मतलब उसकी कंडीशन को हम चेंज कर दें, तो उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द ग्राउंड। मीन्स इफ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड एंड वेन वी ड्रॉप दैट ऑब्जेक्ट, इट फॉल्स डाउन, इट फॉल्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वाई इट फॉल्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ? बिकॉज इट हैज़ द फोर्स ऑफ, इट हैज़ ग्रेविटी, it has the force of gravity. What is the force of gravity? The force of attraction, the force due to which objects falls towards the center of the earth is gravity. And who made the discovery of the gravity? Sir Newton made the discovery of gravity. Okay, our next potential energy is elastic potential energy. Elastic potential energy is the energy stored in an object when deformed in shape by pulled or pushed. Means if we stretch the elastic band so that the original state, the original position is changed. जो उसकी band की original position है, original state है, original actually उसकी जो original shape है वो change हो गई है, अब वो एक stress में है, तो उस band में या उस स्ट्रेच्ड कॉइल में जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन डीफॉर्म इन शेप। ओके, द नेक्स्ट एनर्जी वी हैव केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, व्हेन फ्यूल बर्न्स its energy release, the energy stored in fuel
इज़ द एनर्जी दैट होल्ड्स एन एटम एंड मॉलिक्यूल. मीन्स जो फ्यूल में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको होल्ड किया हुआ होता है. दे आर होल्डेड टुगेदर सो दैट जब दे आर बर्निंग, जब उनको बर्न करते हैं तो वो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ से क्या होता है, केमिकल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज़ रिलीज. और जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है फ्यूल के बर्न होने पर वो एनर्जी केमिकल एनर्जी होती है. दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी. नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी कंटेन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एवरी एटम हैज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एटम. सो ऑल द एनर्जी इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दिस एनर्जी इज रिलीज व्हेन दीज न्यूक्लियस डूइंग एनी रिएक्शन. ड्यूरिंग द रिएक्शन दिस एनर्जी इज रिलीज. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. नंबर वन न्यूक्लियर फिजन, नंबर टू न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फिजन, इन न्यूक्लियर फिजन एटम इज स्प्लिट. इन न्यूक्लियर फिजन एटम इज स्प्लिट इंटू टू और मोर स्मॉलर और लाइटर एटम्स. फिजन मीन्स स्प्लिटिंग. इन द न्यूक्लियर फिजन स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम अकर, स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम अकर. एंड इन फ्यूजन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर फ्यूज टूगेदर बाई क्रिएटिंग अ लार्ज और हैवियर एटम. फ्यूजन अकर वैन टू और मोर स्मॉलर एटम फ्यूज टूगेदर. एंड इन फ्यूजन स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम अकर. ओके, सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी.